हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस डिजिट फ्रीक्वेंसी इन हैकर एंड इन सी लैंग्वेज. फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन. गिवन स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन स्ट्रिंग. मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग में जितनी भी डिजिट है और वो एक डिजिट कितनी बार आई है उनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है. द फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ स्ट्रिंग नम विच इज गिवन द नंबर. इसमें लेंथ जो होगी स्ट्रिंग की वो 1 से 1000 तक होगी और जो डिजिट होंगी वो 0 से 9 तक दी होंगी. ये सैम्पल इनपुट दिया हुआ है जिसमें वो बता रहा है कि कितनी बार एक एक डिजिट आई है. जैसे कि इसमें 0 एक बार भी नहीं आया है, 1 दो बार आया है, 2 एक बार आया है, 3 एक बार भी नहीं आया है, 4 एक बार आया है, 5, 6 ऐसे करके इसमें बताया गया है. नेक्स्ट वी सॉल्व आवर कोड. इसमें हमें अपना कोड सॉल्व करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंट में एक आई वेरिएबल ले लेंगे और एफ ले लेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए. नेक्स्ट हमें स्ट्रिंग के लिए लेना है कैर 100 और हम जे ले लेंगे वो डिजिट काउंट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग में डिजिट जो होगी वो एज ए कैरेक्टर की तरह काउंट होगी. हम कंपेयर कराएंगे अपनी स्ट्रिंग को एस ऑफ आई कि अगर स्ट्रिंग हमारी डबल इक्वल्स टू जे है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. जिस 0 से पहले हम चेक करेंगे एंड देन वी प्रिंट. Then we run our code. And आप देख सकते हैं कि सारे कोड सक्सेसफुली रन हो चुके हैं. अब हम कोड को सबमिट कर देंगे. सो हमारे सारे केस टेस्ट केस
सॉल्व हो चुके हैं और सभी सही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।